हनुमान जी जब संजीवनी बूटी वाला पर्वत लेने आए थे तो दोस्तों एक मान्यता है कि इसी जगह पर काल नेमी राक्षस ने हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। मतलब आसपास यही वो जगह भी मौजूद है। मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा उस जगह को। और एक मान्यता ये है इस जगह के बारे में दोस्तों कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी जब वो स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे। दोस्तों ये एक बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है और मैं कोशिश करूंगा कि इसके रहस्यों को थोड़ा बहुत आपके सामने उजागर कर सकूं। एक बात हमें याद रखनी है दोस्तों कि ये मंदिर है भगवान नरसिंह का, यानी कि त्रेता युग से भी पहले सतयुग काल का ये मंदिर है, ये जगह है। ये मंदिर तो नहीं होगा पर ये जगह सतयुग काल से संबंध रखती है। तो पहले थोड़ा सा नरसिंह भगवान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इस मंदिर का जो इतिहास है ना वो सदियों पुराना है। ये मान के चलिए आपकी सतयुग की बात कर रहा हूं मैं, सतयुग की। कल्पना कीजिए कि इस मंदिर का इतिहास सतयुग से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के इतिहास को समझने के लिए मैंने विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में कुछ उल्लेखों को देखा है जहां पर भक्त प्रहलाद का उल्लेख मिलता है। वो उल्लेख कुछ इस तरह से है दोस्तों, महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दीति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म होता है। इनमें से बड़े भाई का नाम है हिरण्याक्षिपु। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग इस नाम को अलग तरीके से इसका उच्चारण करते हैं, वो बोलते हैं हिरण्याकश्यप, पर असल में जो पुराणों में उल्लेख है उसमें ये नाम हिरण्याक्षिपु है। तो दोस्तों बड़े भाई का नाम था हिरण्याक्षिपु और छोटे भाई का नाम था हिरण्याक्ष। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। एक समय जब छोटे भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया था तो भगवान विष्णु ने वरा अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की थी और हिरण्याक्ष का वध किया था। अपने प्रिय छोटे भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्याक्षिपु ने दैत्यों को सब पर अत्याचार करने की आज्ञा दी और स्वयं महेंद्रांचल पर्वत पर चला गया तपस्या करने के लिए। हिरण्याक्षिपु भगवान विष्णु से अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। अब जब इंद्र को इस बात का पता चलता है कि हिरण्याक्षिपु महेंद्रांचल पर्वत पर चला गया है तपस्या करने के लिए तो वो स्वर्ग पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं और दैत्यों को पाताल लोक में भगा देते हैं। देवराज इंद्र हिरण्याक्षिपु के महल में आकर हिरण्याक्षिपु की पत्नी कयाधु को बंदी बना लेते हैं। उस समय कयाधु गर्भवती थी तो इंद्र सोचते हैं कि अच्छा यही होगा कि हिरण्याक्षिपु के पूरे वंश का ही अंत हो जाए और वो ये चाहते हैं कि कयाधु का उसके गर्भ में पल रहे बच्चे सहित अंत कर दिया जाए। पर यहाँ पर नारद जी आ जाते हैं बीच में और हिरण्याक्षिपु की जो पत्नी है कयाधु उन्हें बचा लेते हैं। इंद्र को बताते हैं कि इनके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो स्वयं भागवत संतान है, आप उसको मार नहीं सकते हैं। तब इंद्र हिरण्याक्षिपु की पत्नी कयाधु को छोड़ देते हैं। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आते हैं जहाँ पर वो भक्त प्रहलाद को जन्म देती है। घोर तपस्या करने के बाद कुछ सालों बाद हिरण्याक्षिपु को ब्रह्मा जी से वरदान मिलता है। क्या वरदान मिलता है अब ये सुनिए। हिरण्याक्षिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसे गर्भ से पैदा होने वाला कोई भी जीव नहीं मार सकता, ना ही वो किसी मनुष्य और ना ही किसी जानवर द्वारा मारा जा सकता है, ना दिन में और ना ही रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना जमीन पर ना आकाश में, ना हवा में और ना पानी में, ना ही मानव निर्मित किसी हथियार से उसका अंत किया जा सकता है। वरदान हासिल कर जब हिरण्याक्षिपु लौटते हैं तो फिर से अपनी सत्ता वापस हासिल कर लेते हैं और अपनी पत्नी कयाधु और भक्त प्रहलाद को भी वापस बुला लेते हैं। जब भक्त प्रहलाद कुछ बड़े हुए तो हिरण्याक्षिपु ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे, पर शिक्षा में भी भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का ही गुणगान करते थे, उनकी ही स्तुति करते थे। जब ये बात दैत्यराज हिरण्याक्षिपु को पता लगी तो पहले तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की, पर बहुत समझाने पर भी जब भक्त प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्याक्षिपु ने अपने पुत्र को मारने का ही आदेश दे दिया। हिरण्याक्षिपु की आज्ञा पाकर उनके सैनिक भक्त प्रहलाद को कई प्रकार से मारने की चेष्टा करते हैं, पर श्री हरि की कृपा से किसी भी प्रयास में वो सफल नहीं हो पाते। भक्त प्रहलाद को हाथियों से रौंदने की कोशिश की जाती
जाती है, जहरीले सर्पों के साथ कमरे में रखा जाता है, घाटी से नदी में फेंका जाता है, पर प्रहलाद को कुछ नहीं होता। फिर हिरण्याक्षपु अपनी बहन होलिका को बुलाते हैं, जिन्हें अग्नि में जीवित रहने का वरदान था। तब भक्त प्रहलाद को चिता पर होलिका के साथ बैठा दिया जाता है, पर चिता की अग्नि में होलिका तो जल जाती है, जलकर भस्म हो जाती है, और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं होता। दोस्तों, इसीलिए होली की एक रात पहले हम होलिका दहन मनाते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर उसको देखा जाता है। होलिका के भस्म होने के बाद तो हिरण्यकश्यप खुद प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ता है। तब भगवान विष्णु अपना चौथा अवतार लेते हैं, जिसे हम नरसिंह के रूप में जानते हैं दोस्तों, और हिरण्याक्षिपु का अंत करते हैं। ये कथा आपको पहले से पता होगी, मुझे ज्ञात है, बहुत से लोगों को पता होगी, पर आने वाली जो पीढ़ी है शायद उसे ना पता हो, तो उनके लिए मैंने जानबूझकर ये पूरा जो कथा है वो उनको बताई है दोस्तों। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस मंदिर का इस कथा से क्या संबंध है। दोस्तों, ये वो मंदिर है जहां पर भक्त प्रहलाद ने तपस्या की थी। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही वो स्थान है, पर ये पूरा बद्रीनाथ ही भगवान विष्णु का स्थान है, जिसमें ये उनमें से एक स्थान है जहां पर भक्त प्रहलाद ने आकर तपस्या की थी। दोस्तों, आइए अब इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। और अब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, प्लीज, इसी से मेरी हेल्प होगी, वरना फिर मेरी हेल्प नहीं हो पाती। मुझे बहुत एंड्स मीट करने पड़ते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसी तरह से अपना खर्चा निकालने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि इस मंदिर के और रहस्य आप समझ सके, इस मंदिर से जुड़ी और मान्यताओं के बारे में आप समझ सके दोस्तों। तो दोस्तों, इस भगवान नरसिंह के मंदिर को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन राज तरंगिणी ग्रंथ में ये बताया गया है कि इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वहीं एक मान्यता ये है कि इसका जो निर्माण है, वो जो नींव है, वो पांडवों ने रखी थी। और एक मान्यता जो मुझे ठीक लगती है वो ये है कि इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, क्योंकि वो भगवान नरसिंह को ही अपना इष्ट देव मानते थे। दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही ज्योतिर्मठ की भी स्थापना की थी। हालांकि कुछ लोग इसे जोशीमठ कहते हैं, जो अपभ्रंश है ज्योतिर्मठ का, जो असली नाम है इस जगह का वो ज्योतिर्मठ है, जोशीमठ तो इसका अपभ्रंश है दोस्तों। और ये मान्यता है कि ये मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी, 10 इंच की ये मूर्ति है। और खास बात, जो रहस्यमयी बात है इस मूर्ति के बारे में, वो ये है दोस्तों कि इस मूर्ति का दाहिना हाथ लगातार पतला होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दाहिना हाथ लगातार पतला होता जा रहा है। लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, तो मुझे मूर्ति का जो नहाने का समय होता है, जो स्नान करने का समय होता है, उस समय आप इस मूर्ति को देख सकते हैं। हालांकि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अब, पर हाँ, लोगों का ये मानना है कि दाहिना हाथ जो है इस मूर्ति का, वो लगातार पतला होता जा रहा है। अब क्या होगा जब दाहिना हाथ पतला हो जाएगा, उससे पहले जरा मंदिर की संरचना के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान नरसिंह के अलावा मंदिर में बद्री नारायण, कुबेर, उद्धव की मूर्तियां भी विराजमान है। वहीं भगवान नरसिंह के दाहिने तरफ राम, सीता, हनुमान जी और गरुण की मूर्तियां भी स्थापित हैं, और जो बाईं तरफ है वहां कालिका माता की प्रतिमा भी है। अब दोस्तों, केदार खंड के सनत कुमार संहिता में बताया गया है कि एक दिन भगवान नरसिंह का ये जो हाथ है दाहिना वाला, जो लगातार पतला हो रहा है, ये टूट कर गिर जाएगा, मूर्ति से अलग हो जाएगा। और जिस दिन ये घटना होगी, उस दिन नर और नारायण नाम के पहाड़ जो बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ते हैं, नर और नारायण नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, फिर आप और हम भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तब जोशीमठ के ही तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर में ही बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि वो मंदिर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं इससे अगली वीडियो में। वहां पर जो मूर्ति है उसकी भी अपने आप आकृति बनती जा रही है, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और एक बात और है दोस्तों, खास बात की उस भविष्य मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य ने भविष्यवाणी भी लिखी है, लेकिन वो जिस भाषा में लिखी है उसको कोड करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है किसी के भी द्वारा। अब इस मंदिर से जुड़ी और कुछ मान्यताएं जान लेते हैं दोस्तों, और उससे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि बद्रीनाथ में जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल भी कहते हैं, वो नंबूदिरी ब्राह्मण होते हैं, जो केरला के एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। और जो उनके नीचे पुजारी होते हैं वो डिमरी ब्राह्मण होते हैं, जो उत्तराखंड के ही डिमरी गांव से बिलोंग करते हैं। और ये प्रथा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही
प्रचलित की थी, उन्हीं की ये प्रथा थी, उन्होंने ही विस्थापना की थी, उन्होंने दोबारा स्थापना की थी बद्रीनाथ की मूर्ति की। क्योंकि यहाँ पर उस समय ऐसा हो गया था दोस्तों कि यहाँ पर ना पहले तो ये सारा शैव था, ये पूरा एरिया शैव था, यहाँ पर शिव जी के पुजारी ही रहा करते थे, पर धीरे धीरे ये पूरा एरिया बौद्ध धर्म में बदलना शुरू हो गया। मतलब जो यहाँ के राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए तो उन्होंने फिर से अपने धर्म की जो जड़ है, नींव है, उसको दोबारा से मजबूत करने के लिए यहाँ के राजाओं को बताया कि तुम्हारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है और सबसे प्राचीन सबसे पुराना धर्म है, तुम्हें उसमें वापस आना होगा। वो राजा फिर उनकी बात सुनकर, उनकी बात मानकर, समझकर दोबारा अपने धर्म में आए और उसके बाद ही यहाँ पर दोबारा से बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई, केदारनाथ धाम की स्थापना हुई। क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग जो चाइना से आ गए थे और कुछ सभ्यताओं ने यहाँ पे बद्रीनाथ की मूर्ति को और मंदिर को नुकसान भी पहुंचाया था दोस्तों। अब दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर जो मूर्ति है भगवान नरसिंह की, उनका एक हाथ पतला होता जा रहा है लगातार, इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। हालांकि लोकल्स को इतना कुछ पता नहीं है सच बताऊं तो, क्योंकि सब लोग भूल चुके हैं, अब सब केवल थोड़ा बहुत जानते हैं और एक दूसरे को चाइनीज विस्पर की तरह सही बात आप तक पहुँचा नहीं पाते, तो आपको भगाने की कोशिश करते हैं बेसिकली। तो है यहाँ पर ये कत्यूरी राजा जो थे, वो असल में हुआ क्या था, सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसके बाद से बौद्ध धर्म प्रचलित हो गया था और काफ़ी सारे राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और राजा कत्यूरी जो थे यहाँ के, जिनको हम वासुदेव कहते हैं, उन्होंने भी पहले, वो भी पहले बौद्ध धर्म में ही थे, बाद में उन्होंने फिर हिंदू धर्म को अपनाया जब यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में उन्हें पता लगा, ऐसी मान्यता है, तो उन्होंने उनसे प्रेरित होकर फिर वापस अपने धर्म यानी कि सनातन धर्म में आने का फैसला किया था। और उसके बाद उन्होंने ही यहाँ पर अपनी राजधानी भी बनाई थी, जिसको आज हम जोशीमठ के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली ज्योतिर्मठ है। चार मठ हैं दोस्तों, एक तो है पूर्व में उड़ीसा में जो है वो है वर्धन मठ, फिर आते हैं हम दक्षिण की ओर श्रृंगेरी मठ, उसके बाद अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में आता है द्वारका में शारदा मठ, वैसे ही यहाँ पर उत्तर में ये है ज्योतिर्मठ दोस्तों। और ये इसकी स्थापना भी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, मैं आपको उस स्थान पर भी लेके जाऊंगा जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। तो उसके बाद वासुदेव जी ने अपने आप को सनातन धर्म में दोबारा जाने का फैसला किया, अपना धर्म जो है दोबारा से सनातन धर्म कर लिया और यहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अब एक मान्यता ये कहती है दोस्तों कि एक बार भगवान नरसिंह खुद अपने आप भिक्षु के रूप में राजा जो कत्यूरी थे वासुदेव जी उनके महल में गए, जब राजा जी शिकार करने गए थे, तो जब वो गए तो उनकी जो धर्मपत्नी थी उन्होंने उन्हें भिक्षा दी और वहाँ पर ही विश्राम करने के लिए बोला। जब राजा जी लौट कर आए तो उन्होंने एक गैर मर्द को, किसी अन्य इंसान को अपने राजा राजमहल में विश्राम करते हुए देखा तो उन्होंने उन पर तलवार से हमला किया और एक भुजा पे उनके कट लग गया था, लेकिन वहाँ से खून नहीं निकला, दूध निकला, जिसके बाद उन्हें पता लगा ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि भगवान नरसिंह है। उसी के बाद भगवान नरसिंह ने उन्हें कहा कि तुमने मेरी भुजा तो काट दी है पर मैं मूर्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान रहूँगा और जब तक ये भुजा मेरे शरीर से जुड़ी रहेगी तब तक ही तुम्हारा साम्राज्य चलेगा, उसके बाद तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। एक मान्यता ये है जो प्रचलित है लोकल्स के बीच में। दूसरी मान्यता ये है कि यहाँ पर बौद्ध और सनातन धर्म के बीच में थोड़ा सा, जिसे बोलते हैं हम, असमंजस पैदा हो गया था यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी और सनातन धर्म के अनुयायियों के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ से वासुदेव जी ने अपनी राजधानी को हटा के बैजनाथ में शिफ्ट कर लिया था बाद में। तो दोस्तों ये ही मेरे पीछे वो मंदिर है और ये आप मान सकते हैं कि राजा कत्यूरी के समय का नहीं होगा, तब तो यहाँ पर छोटा मंदिर बना होगा, पर अब ये मंदिर काफी बड़ा बना दिया गया है देखिए आप, और इसमें आपको थोड़ी सी बौद्ध शैली भी दिखाई देगी सनातन धर्म के साथ, थोड़ी बौद्ध शैली, जो ऊपर का आप हिस्सा देख रहे हैं ये बौद्ध धर्म की शैली से काफ़ी प्रेरित है। और ये यहाँ पर जो बना हुआ, अब तो खैर काफ़ी नया कंस्ट्रक्शन है, ये पुराना नहीं है। और एक मान्यता है दोस्तों कि आगे आने वाले समय में नीति वैली के पहाड़ और माणा वैली के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, अलकनंदा नदी जो है वो गायब हो जाएगी और बर्फ जो है यहाँ पहाड़ों की वो खत्म हो जाएगी आने वाले कुछ समय में दोस्तों। और एक मान्यता ये भी है कि जब भगवान नरसिंह जो अंदर जिनकी मूर्ति है, हालांकि किसी ने देखने नहीं दी मुझे, पर जिनकी मूर्ति है उनका एक हाथ जो है वो गिर जाएगा तो नर नारायण पर्वत जो है बद्रीनाथ के वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ तक पहुँचने का रास्ता बंद हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, फिर हम लोग एक दूसरी जगह पर मूर्ति की स्थापना की जाएगी
और वो जगह होगी भविष्य बद्री, जहां मैं आपको अभी लेके जाने वाला हूँ। पहले आप ये मंदिर देख लीजिए, इसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा और भी। दोस्तों महाभारत काल में जोशी मठ का विवरण मिलता है किसी किसी जगह पर। महाभारत काल में इस स्थान का नाम था कार्तिकेयपुर, भगवान कार्तिकेय के नाम पर। कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था, जोशी मठ में नहीं। वो स्थान मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ मेरे पुराने वीडियोस में, देखिएगा। लाखा मंडल के पास एक गुफा है जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तब से ये पूरा क्षेत्र ही कार्तिकेयपुर के रूप में मशहूर हो गया था। और ये स्थान बेसिकली अगर देखा जाए तो भगवान कार्तिकेय की ही स्थली थी, जहाँ पर आके वो तपस्या किया करते थे। तो ये स्थान हमारे सनातन धर्म के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों ज्योतिर्मठ, जिसे हम जोशी मठ के नाम से जानते हैं, उसमें स्थित नरसिंह भगवान का मंदिर। इसके बारे में मैंने आपको वो सारी बातें बताई जो आपको अपने बच्चों को और आपको भी पता होनी चाहिए और अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं इस मंदिर के। अभी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं इसी एरिया में जिनको मैं उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि बहुत परतें जम गई हैं उन रहस्यों पे और बहुत सारी संबंधित जगह हैं यहाँ पर जिनको मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे ही उनके बारे में पता चलेगा मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों आपसे बस एक ही अनुरोध है कि आप वीडियोज़ को पूरा देखिए और नए वीडियोज़ मेरे आने वाले हैं उनका भी इंतज़ार कीजिए। मुझे अकेले पढ़ना पड़ता है, सब अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, फिर शूट करना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है, उसमें बहुत समय लग जाता है दोस्तों। इसी कारण मेरे वीडियो थोड़ा लेट आते हैं, पर वो आते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ रोचक रहस्य में ही बताते भी रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर बहुत पसंद आया है तो भाई UPI ID है और ये सुपर थैंक्स का स्टिकर है, आप पेटीएम से भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों इतिहास में एक समय ऐसा आया था जब बहुमुखी सभ्यताएं जन्म लेने लगी थी। बहुत सारे अदर दूसरे जो धर्म थे वो आने लगे थे, पंथ आने लगे थे। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही सनातन धर्म को एक बार फिर से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास किया था। केरला के एक छोटे से गांव में जन्मे आदिगुरु शंकराचार्य जी उत्तराखंड के इस जगह पर भी आए थे और यहां उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया था। ऐसा कहते हैं कि 5 साल अपने जीवन के उन्होंने यहां व्यतीत किए थे। सोचिए 32 साल की आयु में उनका देहांत हो गया था, तो 5 साल उनके हमारे लिए 5000 साल के बराबर हैं।